स्टेथोस्कोप का उपयोग इस प्रकार भी किया जा सकता है। यह आदमी अपने पड़ोसियों की बातें सुन रहा था। जोकिन को लगा जैसे वह और अधिक देखना चाहता है। जोकिन ने दीवार में एक छोटा सा छेद कर दिया था। अधिक उत्तेजक शो के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन आज का प्रदर्शन कुछ अलग था। पड़ोसी पैसे लेकर जोकिन के बैंक को लूटने की योजना बना रहे हैं। इसकी सूचना शीघ्र पुलिस को दी जानी चाहिए। लेकिन पड़ोसी ने कहा, पुलिस विभाग का प्रमुख मेरा भाई है, सिर्फ एक शब्द ही काफी है। जोकिन ने लड़ाई की आवाज़ सुनी। पड़ोसी ने अपने ईमानदार साथी की हत्या कर दी। यह देखकर जोकिन ने जल्दी से अपने रूममेट बर्टा को कुछ सोचने के लिए बुलाया। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक उसे याद आया, बर्टा की आवाज़ अगले कमरे जैसी क्यों लगती है। जोकिन ने कहानी को जोड़ा, तुरंत समझ गया यह लड़की उस पर निगरानी रखने आई थी। अगले दरवाजे वाला पड़ोसी चोर है, ऊपर वाली लड़की जासूस है और जोकिन एक अपंग है। निश्चित रूप से समय पर नहीं दौड़ना चाहते। अब क्या करें? एक रात के बाद जोकिन ने जहर को ठीक करने के लिए जहर लेने का फैसला किया। ये बैंक लुटेरे सुरंग बनाने की विधि का इस्तेमाल करना चाहते हैं। फिर पैसे को कमरे तक पहुंचाने के लिए एक छोटी गाड़ी का उपयोग करें। जोकिन का घर बैंक और लुटेरों के कमरे के बीच मुख्य बिंदु था, इसलिए उसने सोचा कि कमरे के नीचे एक गुफा खोदना अच्छा रहेगा। छोटी कार के यहाँ से गुजरने का इंतजार करें, आप थोड़ा कम खाएंगे। ये तरीका ठीक लगता है, लेकिन पहले हमें ऊपरी कमरे में दुष्ट बर्टा से निपटना होगा। बर्टा अभी दो दिन पहले ही आई थी और अपने साथ एक बेटी भी लाई थी। जोकिन को लगता है कि यह लड़की निश्चित रूप से एक अच्छी इंसान है। पूरे दिन उसकी चीजें पैक करने में उसकी मदद करें, उसके नीरस जीवन को गर्म धूप के धब्बे दिखाना। इसलिए जोकिन ने सबसे मानवीय तरीका इस्तेमाल करने का फैसला किया, वह है शराब में नशीला पदार्थ मिलाना। बर्टा निर्दोष और असहाय था, कोमा में चला गया। जोकिन ने उसे बांधने के बाद छिपा हुआ कैमरा चालू कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बर्टा उनके पक्ष में होगा। और इस लड़की ने कहा कि उन्होंने लोगों को सिर्फ इसलिए मार डाला और लूट लिया क्योंकि उनकी अपनी पीड़ा थी। तो जोकिन के पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं था, बस इसे बांध लो, उसे पैसे चुराने के लिए परेशान मत करो। लेकिन योजना बदल गई। बर्टा की बेटी छोटी है और वह ज्यादा स्मार्ट नहीं दिखती। जोकिन का उसे बांधने का कोई इरादा नहीं था। आखिर में कुछ बुरा हुआ। छोटी लड़की तेजी से रेंगते हुए सुरंग से नीचे चली गई। यह दूसरे गिरोह को इसके बारे में बताने का मामला है। जोकिन हतप्रभ था, लेकिन सौभाग्य से इस बच्चे के पास भी दिमाग है। जब आप किसी को देखते हैं तो आप तुरंत छिपने की जगह ढूंढ लेते हैं। बस यह बगल वाला पड़ोसी बात कर रहा था, लेकिन लड़की पर ध्यान नहीं गया। आह, जरा ठहरिए। उनका साथी पुलिस विभाग का प्रमुख है। पता चला कि वे एक समूह थे। निर्देशक ने आगे बढ़कर बॉस से कहा, आज रात 8 बजे कार्रवाई शुरू करें। वह इलाके की सारी पुलिस को भेज देगा। अगली बात का ध्यान डाकुओं को रखना होगा। पैसा दो हिस्सों में बंटा हुआ है। निदेशक ने उससे यह भी कहा कि वह दोनों तिजोरियों में रखे पैसों को न छुए, क्योंकि यह उसे रिश्वत देने के लिए पैसा था। जोकिन ने आधे घंटे तक बातें सुनी। अंततः लोग चले गए। जोकिन ने जल्दी से उसे वापस उसके कमरे में खींच लिया। छोटी लड़की ने जल्दी से एक वस्तु चुरा ली। यह एक जूनियर की घड़ी है। यह स्थिति वापस नहीं आ सकती। जोकिन के पास इसे छिपाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसी समय बर्टा का फोन बजा। किस बात से डर लगता है? यदि बॉस कॉल करता है तो बर्टा को फोन का उत्तर देने दें। लेकिन लड़की जवाब नहीं देना चाहती थी। जोकिन को जहर का सेवन करने के लिए मजबूर किया गया। वह एक ऑडियो वीडियो चलाता है। वीडियो का इतिहास बर्टा के इस स्थान पर आने के समय का होना चाहिए, लेकिन इस अंश को ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि इसमें तीन आश्चर्य होंगे। जोकिन के पास एक कुत्ता है जिसकी उम्र ज्यादा नहीं है। वह इसे इंजेक्शन लगाना चाहता था ताकि यह शांति से मर सके। जिस दिन बर्टा और उसकी माँ आई, जोकिन इंजेक्शन की तैयारी कर रहे थे। अप्रत्याशित रूप से इस कुत्ते ने बस खूबसूरत लड़की को देखा और स्वस्थ हो गया। दोनों खिलाड़ियों के बीच बहुत अच्छी बनती है, वे हर दिन एक साथ होते हैं। जोकिन कुत्ते की देखभाल करना चाहता था, इसलिए उसने एक वायर टैप लगाया। गलती से उसने ये ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया। बेटी ने कुत्ते से धीरे से बात की। जब मैं 4 साल की थी तो पड़ोस के एक बॉस ने मेरे साथ बलात्कार किया। उसने लड़की को यह बात अपनी माँ को न बताने की धमकी भी दी, इसीलिए बेटी इतनी मूर्ख दिखती थी। ऐसा लग रहा था कि माँ पूरी तरह से झड़ जाना चाहती थी, बेहोशी के बिंदु के थोड़ा करीब। यह देखकर जोकिन ने जीतने का मौका लिया। मैं तुम्हें बदला लेने में मदद कर सकता हूँ। मैं उन कमीनों को भुगतान कर दूंगा, लेकिन अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। आखिरकार बर्टा ने बाजी पलटने का फैसला किया। वह मुस्कुराने का नाटक करते हुए रो रही थी। बॉस से बातचीत खत्म करें, सहजता से उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करें। जोकिन को डर है कि बर्टा का मूड अस्थिर है। हैंडी, उसने उसे बेहोश करने वाली दवा का इंजेक्शन लगाया।
फिर जानकारी का स्वयं विश्लेषण करें। अभी फोन के अंदर बॉस ने कहा, सुरंग खोदते समय उन्होंने पानी का पाइप खोदा। यदि आप दूसरी जगह खुदाई करना चाहते हैं, तो आपको डर है कि छोटी कार स्थिर नहीं होगी, इसलिए उन्होंने एक सुरक्षात्मक टोकरी बदल दी। चीजें और अधिक जटिल होती जा रही हैं। जोकिन अपना हाथ नहीं खींच सका, लेकिन क्या आपको लगता है कि वह हार मान लेगा? जब डाकू आराम कर रहे थे तो जोकिन ने अवसर का लाभ उठाते हुए सुरंग में रेंगने का प्रयास किया। बैंक के फर्श के नीचे के निष्कर्ष अनिश्चित हैं। भले ही डाकुओं के पास एक सुरक्षात्मक टोकरी हो, यह काम नहीं करेगा। यह फर्श टूटने योग्य है, इसलिए जोकिन ने डाकुओं के साथ खेलने का फैसला किया। आप लोग 8 बजे कार्रवाई की बात करते हैं, है ना? तो मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले फर्श को तराशूंगा। सबसे पहले मैं अपने वरिष्ठ की तिजोरी से पैसे चुराऊंगा, फिर उन्हें मुफ्त विस्फोटक दे दो। मैं इसे 2 भागों में बांट दूंगा। भाग का उपयोग फर्श को विस्फोट करने के लिए किया जाता है। इसका एक हिस्सा पानी की पाइपलाइनों को विस्फोट करने के लिए उपयोग किया जाता है। इससे बचना आपके लिए एक पहेली है। फिलहाल लुटेरों को अभी भी नहीं पता कि क्या हुआ। विस्फोटकों को अभी अभी चलाया गया है। जो जूनियर अभी अभी गुफा में गए थे, वे पहले ही आधे मर चुके हैं। बाकी आधे भी बैंक के अंदर बंद हैं। उन्हें कबूल करने के लिए अलार्म बजाने के लिए मजबूर किया गया। योजना पूर्णतः विफल रही। वह बचने के लिए तेजी से भागा। जब हमने समाप्त किया तो हमने जोकिन का उल्लेख किया, क्योंकि बैंक में एक बड़ी समस्या थी और जोकिन का घर बगल में था। जरूर पुलिस आएगी। उसने जल्दी से सुरंग में मौजूद चीजों को अस्त व्यस्त कर दिया। फिर शरीर पर लगी कीचड़ को साफ करने के लिए स्नान करें। सक्रिय रूप से बाहर जाने के लिए व्हीलचेयर को धक्का दें। इस समय जोकिन के घर के सामने एक पुलिसकर्मी था। जोकिन एक ऐसे अभिनेता हैं। उन्होंने पुलिस से पूछा कि ये क्या हो रहा है? मेरे घर में पानी भर गया है, क्या आप लोग मेरी सहायता कर सकते हैं? सच में पुलिस की नाक में दम हो गया। एक संक्षिप्त खोज के बाद उन्होंने जोकिन से बात की। आप इन छोटी चीजों को स्वयं साफ कर सकते हैं। कोई भी स्वतंत्र नहीं है। मूल रूप से सोचा था कि सब कुछ ठीक चल रहा था, जिसे उम्मीद थी कि पुलिस का एक और समूह घर में आएगा। जोकिन दरवाजा खोलने के लिए दौड़ा। वे अगले दरवाजे वाले डाकू हैं। वे भागना चाहते थे, लेकिन उन्हें बर्टा को अपने साथ ले जाना था, इसलिए उन्होंने पुलिस होने का नाटक किया। बॉस बर्टा को कोमा में पाता है और जोकिन से पूछता है। बेशक जोकिन ने बॉस के लिए एक शो रखा। उन्होंने कहा कि वह और बर्टा सामान्य रूममेट थे। मुझे कैसे पता होगा? जिस बॉस ने यह सुना, उसे जरूर परेशानी हुई होगी। उसने बंदूक का उपयोग करके जोकिन के धनुष को बलपूर्वक छुपाने के लिए कार्डों को पलटने का निर्णय लिया। ऐसी आपात स्थिति में उन्हें कुछ करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जोकिन ने अपनी जान बचाने का फैसला किया। बाएं हाथ वाले, मुझे जल्दी से बचा लो। मुझे बचाओ, बाएं हाथ का खिलाड़ी और लेफ्ट हैंडर जूनियर में से एक का नाम है। जोकिन को यह नाम क्यों पता है? बॉस को कुछ समझ नहीं आया। वामपंथी होना। उसे बर्टा पसंद है, लेकिन बर्टा ने उसकी बात नहीं मानी। रोज ने उसे बेहोश करने वाली दवा दी। इस बार हैरान होने की बारी बाएं हाथ के बल्लेबाज की थी। यह पहली बार था जब उनकी जोकिन से मुलाकात हुई। बाएं हाथ का व्यक्ति निर्दोष होने का दिखावा करता है, लेकिन समझाने पर भी बॉस नहीं सुनता था। वह जोकिन को सब कुछ बताते हुए सुनना चाहता था। जोकिन गति प्राप्त कर रहा है। बॉस की बैंक लूटने की योजना के बारे में बात करें तो बाएं हाथ का व्यक्ति जोकिन को पैसे चुराने की व्यवस्था करता है। आप जो भी बात करते हैं, वह बहुत विस्तृत है। यह सुनकर डाकुओं में आंतरिक कलह होने लगी। यह रूप देखकर जोकिन ने जहर का प्रयोग करने का निर्णय लिया। भैया, दराज खोलकर देखो, अंदर एक घड़ी है। क्या आपको लगता है कि यह बाएं हाथ के खिलाड़ी का है? जिस लड़की ने घड़ी चुराई थी, पहले उसे इतनी उपयोगी होने की उम्मीद नहीं थी। अब कनिष्ठ के लिए अपने पाप धोना कठिन है। उन्हें पहले गोली चलानी थी। 2 राउंड गोलीबारी के बाद दोनों पक्षों की मौत हो गई, लेकिन दुर्भाग्य से बाएं हाथ के खिलाड़ी को एक और तीर लग गया। मरा हुआ आदमी बॉस क्यों नहीं है? जोकिन वास्तव में गतिरोध में पड़ गया, क्योंकि बॉस नहीं मरता, जिसे मरना है वह तो वही होगा। जोकिन भी इससे बच नहीं सके। बॉस ने निर्णायक रूप से ट्रिगर खींच लिया। सौभाग्य से बंदूक में बारूद खत्म हो गया था। क्या आप सही नहीं है, लेकिन बर्टा के पास है। अभी अभी गोलियों की तेज आवाज ने उसे जगाया। सपने में भी बर्टा अपनी बेटी का बदला लेने के लिए बॉस को मारना चाहता था। अब मौका आ गया है। जोकिन ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसने सोचा कि यह बहुत सरल है। मुखिया घर आए। उन्होंने उसे पहले ही बता दिया था कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों से पैसे के 2 सूटकेस न लें। नतीजतन पैसा अभी भी चोरी हो गया है। जोकिन का घर ढूंढने के लिए उन्होंने स्थान पर भरोसा किया। निश्चित रूप से बढ़िया फसल। अपने कनिष्ठों को मरते हुए देखना,
लेकिन उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे यह कोई बड़ी बात नहीं है। बस जोकिन ने पूछा, पैसा कहाँ है? यदि आप पैसे नहीं सौंपते फिर यह पूरा कमरा लाशों से भरा हुआ है। मैं तुम्हें तब तक जेल में डाल सकता हूँ जब तक तुम पूरी तरह सड़ न जाओ। जोकिन के पास उसे पैसे सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जोकिन को पढ़ाते हुए डायरेक्टर हंस पड़े, ऐसा बॉस जैसा टाइप, यहाँ मेरे पास कोई कमी नहीं है। मैंने अपने जीवन में कभी किसी को नहीं मारा, लेकिन पैसा तो कमाया जाता है, उन लोगों से भी अधिक जो पूरे दिन केवल हत्या करना जानते हैं। आप जो भी करें आपको अपने दिमाग का उपयोग करना होगा। बातचीत के दौरान उसने